नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश पब्लिक ओपिनियन हम आप तक लेकर आए, यहाँ पर मैं हूँ अदिति राजपूत। और अब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, बिहार में महागठबंधन टूटा, एनडीए जेडीयू एक बार फिर बिहार में सत्ता में आ गए। अब सवाल ये है कि सियासी फेरबदल का फायदा किसको होगा? आने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको फायदा होगा, यही जानने के लिए एनडीटीवी ने सर्वे एजेंसी प्रश्नम के साथ मिलकर एक क्विक सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे के नतीजे आपको बताएं, इससे पहले आपको बताते हैं कि हमने ये सर्वे आखिर किया कैसे है। ये सर्वे 30 जनवरी को किया गया है। आपको याद होगा 28 जनवरी यानी कि रविवार को ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि उसके दो दिनों के बाद। हमने बिहार के 238 जिलों के लोगों से टेलीफोनिक बातचीत की है। हमने हर वर्ग और इलाके के लोगों से बात की है। इस सर्वे के सारे सवालों के जवाब जितने लोगों ने दिए उनकी तादाद करीब 4000 है। जवाब देने वाले लोगों में 54% पुरुष हैं और 46% महिलाएं थी। आपको एक नज़र में ये लग सकता है कि ये सैम्पल साइज छोटा है, लेकिन असल में ये सर्वे एकदम वैज्ञानिक है क्योंकि ये हर वर्ग और इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए पहले नतीजे यहाँ पर आपको दिखाना हम शुरू करते हैं। हमने पूछा था, जो पहला सवाल था हम वहाँ पर जनता से, लोगों से, कि जो बिहार में सियासी उलटफेर है उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट करेंगे। तो नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी जेडीयू जो गठबंधन है उसको लिए 53% लोगों ने कहा है कि वो जेडीयू बीजेपी गठबंधन को वोट करेंगे, और वहीं सिर्फ 23% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जो है उसको वोट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी प्रश्नम का ये सर्वे है। दूसरा जो सवाल था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2024 में किसे वोट करेंगे, तो ये आप देखिए यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन 50% के ऊपर है, 53%, 23% है कांग्रेस आरजेडी गठबंधन, 6% अन्य हैं और 18% हैं वो जो जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन ये आप अंतर देखिए, 50% से ज़्यादा, 53% बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसे लोग यहाँ पर चुन रहे हैं और मात्र 23% लोग जो हैं वो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को चुन रहे हैं। यानी कि जो लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं, जो लोग अन्य को चुन रहे हैं, अगर यहाँ पर वो बदलते हैं तो क्या ये अंतर खत्म हो पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अलग अलग यहाँ पर जो हमने सवाल पूछे हैं उससे जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले भी हैं और दिलचस्प भी हैं। आपको यहाँ पर हम अगला सवाल जो है वो भी दिखा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2025 में, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो 2025 में ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है अभी, उसके बाद अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो किसे वोट करेंगे? 54% लोग हैं यहाँ पर जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसके साथ उसे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, और 27% लोग जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन जो है उसे चुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो चूज कर रही है जनता या जनता के दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव 2025 में। ये देखिए आप, हम इसे और एक पाई चार्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। 54% लोग जो हैं वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ जा रहे हैं, 27% कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के साथ। यहाँ पर भी जो मार्जिन है, जो अंतर है 54 और 27 का, वो बहुत ज़्यादा है। 10% लोग अन्य के साथ जाना चाहते हैं और 9% लोग जो हैं वो जवाब नहीं देना चाहते। यानी कि अगर 19% साथ आते हैं तो भी ये जो मार्जिन है ये दूर होता हुआ या कम होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भी हमें यहाँ पर याद होगा कि 2020 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है वही बिहार में सत्ता में आया था। अगला सवाल हमने पूछा कि महागठबंधन बना रहता तो लोकसभा चुनाव में किसे वोट करते, और ये देखिए बहुत ही दिलचस्प है, महागठबंधन को भी 35% और एनडीए को भी 35%। तो यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है कि अगर ये महागठबंधन अगर बना रहता तो किसे वोट करते, तो तब यहाँ पर 35-35% जो लोग हैं दोनों में उसको चुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लोग ये इसको देखिए और पाई चार्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से लोगों ने जो ओपिनियन दिया है यहाँ पर दोनों को, अगर महागठबंधन बना रहता है तब लोकसभा में किसे वोट करते, यहाँ पर ये जब हम देख रहे हैं तो 35% जनता की राय आ रही है। 20% जो है वो जवाब नहीं देना चाहते और 10% जो है वो यहाँ पर अन्य को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ अदिति फडणीस हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, और हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अदिति, आंकड़े आपने सुने होंगे, ये जो सामने हमारे आए हैं, ये जो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, ये चौंकाने वाले भी हैं और बहुत दिलचस्प भी हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की जो राय है वो बिल्कुल एकतरफा नजर आ रही है, ये जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन है उसके साथ जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ही एक्सपीरियंस नेता है, बहुत अनुभवी है। उन्होंने रूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, तो अगर वो इस बात को लेके आगे चल रहे थे कि अगर हमारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है तो इससे महागठबंधन को फायदा होगा, और अगर ये बात उन्होंने रखी थी महागठबंधन के सामने, जिसे महागठबंधन ने ठुकरा दिया था, ये सब बातें मेरे ख्याल से सब तथ्य है, और ये सब कम से कम बिहार के लोग तो जानते हैं। लालू जी चाहते थे कि तेजस्वी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी ने कहा चुनाव जल्दी करवाते हैं, तो शायद ऐसा हो भी सकता है। लालू जी शायद इस बात के फेवर में नहीं थे, और इसीलिए नीतीश जी ने पाला बदला। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका सर्वे है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता, और अब क्या स्थिति है, ये भी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार भी हमारे साथ हैं। मनीष, यहाँ पर एक जो दिलचस्प बात नजर आ रही है कि जब गठबंधन रहता है तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन अगर गठबंधन टूट रहा है तो एनडीए को अच्छी खासी बढ़त नजर आ रही है, ये काफी दिलचस्प है। देखिए अदिति, इस जो फाइंडिंग्स है ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति की सच्चाई यही है। ये 2005 से 2004 के बाद, 2005 के जो नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से सच्चाई यही है कि जब भी बिहार में तीन ही दलों के पास दहाई के आंकड़े के, यानी कि 10% से ऊपर का वोट शेयर है, उसमें एक आरजेडी है, दूसरी जेडीयू है और तीसरी बीजेपी है, तो इन तीनों दलों में जब भी दो दलों का साथ होता है तो तीसरा दल कहीं ना कहीं वो हाशिए पे चला जाता है। खासकर अगर आप लोकसभा चुनाव के भी परिणाम देखें, पिछली बार के 2019 में या 2014 में, 2014 में पहली बार तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, और उसमें बीजेपी को इसलिए सफलता हाथ लगी थी क्योंकि उनके साथ रामविलास पासवान थे, उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर वही लालू और नीतीश का गठबंधन जो है बीजेपी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन पर भारी पड़ा था। लेकिन इस बार आपको वोटों का आंकड़ा में इतना ज्यादा फर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि ना केवल नीतीश और बीजेपी साथ हैं, बल्कि उनके साथ चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। ये एक ऐसा इनविंसिबल कॉम्बिनेशन है बिहार के चुनाव के राजनीति में, या वोटों के विसात पर अगर आप देखें तो उसके सामने कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, या खासकर उनके साथ अब सीपीआईएमएल और सीपीआई जैसे दल भी है, वो कहीं ना कहीं वो हाशिए पे चला जाता है, उसका जो पलड़ा है वो काफी नीचे झुक जाता है। और यही एक सच्चाई है बिहार की राजनीति की, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ उतने संबंधों में तलखी होने के बाद और बिहार इकाई के रिजर्वेशन होने के बाद भी उनको अपने साथ लाए हैं। निश्चित रूप से अगर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन होता तो शायद बीजेपी जिस प्रकार से इस बार के चुनाव में स्वीप करने जा रही है, देखिए पिछले बार का जो अदिति आंकड़ा था 2019 का, 40 में से 39 सीटें जो एनडीए जीती थी, यानी कि नीतीश, बीजेपी और साथ साथ उस समय रामविलास पासवान भी थे, जो अब उनके बेटे चिराग पासवान है, और इस बार भी जो रिजल्ट होगा वो उसी का रिपीट सब मानकर चलते हैं। आरजेडी के नेताओं से भी बात करेंगे तो नीतीश कुमार के जाने के बाद भले नीतीश कुमार की जितनी भी सोशल मीडिया पर किरकिरी हो, उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पास जो अति पिछड़ा वोटों का जो समूह है उसके कारण, और जो हाल के दिनों में काम किया गया है, वो कास्ट सर्वे हो, कास्ट सर्वे के बाद जो अति पिछड़ा और पिछड़े वर्गों का जाति जो उनका आंकड़ा जो बढ़ाया गया है, उनकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाई गई है, उसके बाद जो एक तरह का नया समीकरण कहिए या पुराना समीकरण ही आप मान लीजिए, तो वो और मजबूत हुआ है। इसलिए हालांकि एक बात और है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 2025 में होंगे, वो अगर लोकसभा चुनाव के साथ होते तो जो अभी सर्वे का फाइंडिंग्स है आप उसे कहीं ना कहीं सच मान सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति चूंकि इतनी ज्यादा नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो फ्लक्चुएट करता है, कोई नहीं जानता कि वो लोकसभा चुनाव के बाद या 6 महीने, साल भर के बाद क्या करेंगे। वैसे में फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में
कोई भविष्यवाणी करना बिहार की राजनीति के लिए थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव का जहां तक परिणाम है तो निश्चित रूप से एक बार फिर 2019 की तरह एनडीए अलायंस स्वीप करेगा। अदिति, बिल्कुल, अब हम यहाँ पर बिल्कुल मनीष, जिस तरह से विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से लोकसभा चुनाव जो है वो चूंकि बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं और ये जो गठबंधन बना है इसका एक सीधा सीधा असर जो है वो उसमें देखने को मिलेगा। हम एक और सर्वे जो है कुछ और जो उसमें हमने जो सवाल पूछे थे उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और दिलचस्प सवाल जो हमने लोगों से पूछे थे वो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या हमने यहाँ पर पूछा था, किस तरह से यहाँ पर हमने पूछा था कि अगर महागठबंधन बना रहता तो विधानसभा चुनाव 2025 में आप किसे वोट करते। तो यहाँ पर आप अंतर देखिए, महागठबंधन अगर बना रहता तो जो विधानसभा चुनाव होते उसमें 41% महागठबंधन को वोट करना चाहते और 38% जो है वो यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी के साथ जाते, वो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के साथ जाते हुए नजर आते। और अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2025 में किसे वोट करेंगे, तब आप यहाँ पर देखिए कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद बिल्कुल लोगों की राय बदल चुकी है, वो अब बीजेपी जेडीयू के साथ 54% लोग जाना चाहते हैं और कांग्रेस आरजेडी के साथ 27% जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अदिति, ये जो बात लोगों के जहन से हम निकल कर सामने आई है इस सर्वे में कि अगर महागठबंधन बना रहता है तब वो विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 41% लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर महागठबंधन नहीं है, अब जो नया गठबंधन बन चुका है जब बीजेपी जेडीयू सत्ता में वापसी कर चुके हैं, तो यहां पर लोगों की राय पूरी तरह से अलग नजर आ रही है और सीधे 54% लोग जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा आपको तोड़कर भी दिखा रहे हैं पाई चार्ट के जरिए कि अगर महागठबंधन बना रहता है तो विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे। 41% कह रहे हैं महागठबंधन, 38% कह रहे हैं एनडीए, 14% जवाब नहीं देना चाहते और 7% अन्य के साथ यहां पर जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी महागठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा था। लेकिन जब अगला सवाल उनसे पूछा गया जो हम आपको दिखाएंगे यहां पर कि जो महागठबंधन है जब उलट फेर जब हो गया है, अब महागठबंधन टूट गया है तो एनडीए के साथ कितने वोटर हैं, आप ये देखिए उलट फेर के बाद एनडीए के साथ जो वोटर हैं वो जेडीयू बीजेपी के साथ हैं और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 73% जो है वो सीधे तौर पर जेडीयू बीजेपी के साथ नजर आते हैं। बहुत बड़ा ये नंबर है अदिति, इस पर आप देखिए कि किस तरह से जो पलड़ा बदला है, जो पाला बदला है नीतीश कुमार ने, बीजेपी बिल्कुल जो एनडीए के जो वोटर्स हैं यहाँ पर वो आगे भी उन्हीं के साथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अदिति, निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से इसमें जरा भी कोई भी अचंभा नहीं होना चाहिए। आरजेडी और जेडीयू यदि इकट्ठे होते तो दोनों चुनाव में फायदा होता निसंदेह, और चूंकि अब वो टूट चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड अब भाजपा के साथ है तो ये बदलाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से एक चीज जरूरी है इसमें, एक तो अनडिसाइडेड जो लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं वो उनकी क्या सोच रहेगी, ये विधानसभा के लिए कम से कम जो 2025 में है वहां उस चुनाव में आज से लेके अब तक राज्य सरकार क्या करती है ये इस पे बहुत कुछ निर्भर होगा। तो अनडिसाइडेड का वोट अपनी तरफ कैसे लाएं ये राज्य सरकार के ऊपर है और आने वाले समय में ये निर्णय करेगा। दूसरी बात, मेरे ख्याल से अभी अगर आरजेडी नीतीश जी की बात सुन लेती है। यहाँ पर आपको एक और मैं आंकड़ा दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो उलटफेर के बाद हमने दिखाया कि उलटफेर के बाद एनडीए के कितने वोटर जो हैं वो जेडीयू बीजेपी के साथ हैं, उसमें हम 73% दिखा रहे हैं और आप ये देखिए कि उलटफेर के बाद कांग्रेस आरजेडी के साथ कितने वोटर हैं तो वो 36% यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो अनडिसाइडेड की अगर हम बात करें तो वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है उस तरह से, ये देखिए आप उसमें बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है वहां पर 53% दिखा रहा है और कांग्रेस आरजेडी को 23%, 18% जो है वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, 6% जो है वो अन्य के साथ हैं। तो आप मार्जिन अगर देखेंगे उस तरह से तो अनडिसाइडेड का नंबर बहुत बड़ा नहीं है और वो जो गैप है वो कम होना मुश्किल है। और यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि जो वोटर रिटेंशन है वो बीजेपी जेडीयू का वो बहुत ज्यादा है निश्चित तौर पर, और अनडिसाइडेड किस तरफ जाएंगे ये कोई कोई रूल नहीं है कि वो कांग्रेस आरजेडी के साथ ही जाएंगे, अनडिसाइडेड भाजपा जेडीयू के साथ भी जा सकते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि अब से लेके लोकसभा चुनाव तक और फिर उसके बाद 25 तक अनडिसाइडेड को जीतना और अपनी तरफ लाना राज्य सरकार पर निर्भर है पूरी तरह से, और इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को अब परफॉर्म करना पड़ेगा,
जो पुरानी चीजें थी वो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन आने वाले समय में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और इन सब लोगों को ये सामने रखना पड़ेगा लोगों के, कि सरकार बदलने के बाद राज्य में केंद्र में और राज्य में दोनों में बदलाव आने की अब ज्यादा के ज्यादा आसार है। तो जी, हमारी तरफ लेकिन अदिति देखिए जिस तरह और से हमको मनीष वोट अभी दीजिए। हमारे सहयोगी कह रहे थे यहाँ पर कि नीतीश कुमार जो हैं उनकी छवि की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो अभी भले ही वो आरजेडी के साथ है मगर जो काम किए उसको भी जनता कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, ये हमारे सहयोगी मनीष कह रहे हैं। अति पिछड़े जो है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट बने हुए नीतीश कुमार के साथ, तो क्या आपको लगता है जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो राज्य सरकार है उसको विधानसभा चुनाव के लिए परफॉर्म करना होगा जो कि हम आने वाले वक्त में देखेंगे, तो उससे आपको लगता है और फर्क आएगा ये जो अंतर है इसमें वोटों का अंतर? इसमें दो चीजें हैं, फर्क आ सकता है। और जहां तक नीतीश कुमार की छवि और उनकी जगह की का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग पलटू राम और ये सब कह रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार बरकरार है वहीं पर जहां थे, बल्कि पलटा मारा है और लोगों ने। तो जी बिल्कुल, यहाँ मेरे पर ख्याल से है ना, जी देखने का नजरिया थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। नीतीश कुमार अपनी जगह पर है, यथास्थित है। अगर लोगों ने उनके बारे में अपनी धारणा बदली है, तो वो भाजपा और आरजेडी ने बदली है। नीतीश कुमार तो वही है जहां थे। बिल्कुल, यहाँ पर अदिति मनीष को भी मैं लाना चाहूंगी, वो भी कुछ बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी मनीष, देखिए अदिति, जो 2025 की बात हो रही है वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने 2019 के बाद भी देखा था कि कई राज्यों में, उसके बाद झारखंड में चुनाव हुए थे, बिहार में भी जो चुनाव हुए थे, 2019 के जो आंकड़े को अगर देखा जाए तो 2020 में कम से कम एनडीए को उस समय 220 से ऊपर सीटें, 243 की विधानसभा में आनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान जिस प्रकार का कैंपेन के आधार पर उन्होंने अपना पूरा माउंट किया था, पूरा अभियान को उन्होंने, चुनावी अभियान को माउंट किया था, जिसमें उन्होंने जो भी वादे किए थे, जिसके कारण वो 119 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो वैसे में मैं आपको कहूं कि, और जैसा कि बिहार की राजनीति जिस प्रकार से हाल के वर्षों में बदली है, वैसे में 2025 के बारे में बात करना थोड़ी इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि 2025 का चुनाव में दो बातें साफ है। पहली बात यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं जाएगी, वो जो चुनाव होगा वो कमोबेश बीजेपी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा और महागठबंधन की अगुवाई जो है तेजस्वी यादव करेंगे। और तेजस्वी यादव के पास भी एक 17 महीने के कार्यकाल के बारे में बात करने का काफी सारा टॉकिंग पॉइंट है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, वोटरों का क्या रुझान होगा, क्या रुख होगा, और वो चुनाव, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 के बारे में रिजल्ट जो है वो फॉरगोन कंक्लूजन है, लेकिन 25 जो है थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि वो करीब 20 वर्षों के बाद, 2005 नवंबर के बाद पहला चुनाव होगा जब एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो वैसे में उनके वोटरों का झुकाव कैसा होता है, क्या उस समय तक उनकी पार्टी बचती है या नहीं, इसके बारे में अभी थोड़ी सी संशय है, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि पहला चुनाव होगा जो तेजस्वी यादव बनाम सम्राट चौधरी होगा, और वैसे में इन दोनों नेताओं का, अब सम्राट चौधरी के ऊपर निर्भर करता है कि बीजेपी उनको किस प्रकार से पेश करती है, या उनका अब मंत्रालय उनके पास क्या होते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या होता है, वोटरों के बीच में जो है वो किस प्रकार से अपने बातों को पहुंचा पाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी सब दाद देते हैं, तो वो अपनी बातों का, आज भी नीतीश कुमार ने कहा कि उनका तो अच्छा खासा मीडिया में पैठ है, उनके पास में सब कुछ है, वो अपनी बातों को रख बिल्कुल पाते हैं। अदिति जी, अदिति जिस तरह से मनीष कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ एक बातें अगर हम याद करने की कोशिश करें, नीतीश कुमार जब 2022 में अलग हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार एक दबाव की बात भी करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ हम सुन रहे थे जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो भी कह रहे थे कि बहुत दबाव में काम कर रहे थे। तो अब यहाँ पर दो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी है जेडीयू के कम विधायक, तो ऐसे में दबाव तो यहां पर भी नीतीश कुमार को झेलना होगा। निश्चित रूप से। और पिछली बार जब जब
जेडीयू और बीजेपी का अलायंस हुआ था, तो नीतीश कुमार ने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से इस दबाव को छिटक के अलग कर दिया था। उस समय उनके साथ सुशील मोदी थे और सुशील मोदी को बहुत कुछ सुनना पड़ा था अपनी पार्टी से, लेकिन कुल मिला के वो नीतीश कुमार के एक कहना चाहिए एक राइट हैंड मैन थे, एक ऐसे उनके पिलर थे जिनके जिनके ऊपर नीतीश कुमार को पूरा रिलायंस था। इस बार चीजें बहुत फर्क हैं, और जिस तरह से पिछली बार जब इनका अलायंस था राज्य में, तो वंदे मातरम कब गाया जाए, क्यों नहीं राज्य सरकार बाध्य करती है सरकारी स्कूलों को वंदे मातरम को सुबह असेंबली में गाने से, इन सब चीजों को लेके बहुत नीतीश कुमार ने अपना रुख बहुत ही फर्म रखा था और भाजपा को बहुत कुछ सुनना पड़ा था। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी मालूम है कि जिस तरह से पहले नीतीश कुमार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, पर कैपिटा सीमेंट एक्सपेंडिचर कंपनियों का कितना बढ़ गया था, जिस तरह से नए एयरपोर्ट्स बिहार में खुले थे और चले थे, फ्लाइट्स कितनी बढ़ गई थी, ये सब चीजें हम लोगों को दिखाता है कि भाजपा और नीतीश कुमार बहुत ही अच्छी तरह से सरकार चलाए थे उस समय। अब इस बार क्या होता है ये देखना जरूरी है। सम्राट बिल्कुल, ये चौधरी क्या देखना वही काफ़ी दिलचस्प होगा। वही अतुल जी रोल बने रहिए आप हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को हम बता दें कि बिहार में जो सियासी बदलाव हुआ है उसके बाद पहला सर्वे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या कुछ जनता की राय निकल कर आ रही है, किस तरह से वो बीजेपी और जेडीयू का जो नया गठबंधन है या एक बार फिर से जो साथ आई हैं दोनों पार्टियाँ उनको देख रहे हैं, और किस तरह से वो लोकसभा चुनाव के लिए वोट करना चाहते हैं, किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर वो अपना मन बना रहे हैं, इसके बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। आप देखते रहिए, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव जो अगर आ रहे हैं बिहार में वो अगले साल है, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है उसके बाद हमने प्रश्नम एजेंसी जो है उसके साथ एनडीटीवी ने सर्वे किया है और बिहार की जनता की राय जानने की कोशिश की है। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2024 में किसे वोट करेंगे, जब हमने ये पूछा तो 53% जो लोग हैं वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ 23% जो लोग हैं वो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के साथ जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो क्या लोग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, तो जो 18% लोग हैं यहाँ पर वो कोई ओपिनियन यहाँ पर उन्होंने नहीं बनाया है, कोई राय नहीं बनाई है। 6% जो लोग हैं वो अन्य के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आप अंतर देखिए, 50% से ज़्यादा जो नंबर है वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद हम आपको अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा वो दिखाते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2025 में किसे वोट करेंगे, तो यहाँ पर भी 54% जो लोग हैं वो आप देखिए कि जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ, और 27% जो लोग हैं वो जा रहे हैं यहाँ पर जेडीयू कांग्रेस के साथ। और एक पाई चार्ट के जरिए आपको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर 9% जो हैं वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, 10% जो लोग हैं वो अन्य के साथ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी 54% जो है वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो अगर वो मन बनाते हैं विधानसभा चुनाव तक, तो क्या ये जो 19% लोग हैं ये मन बनाएंगे तो 27% जो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन है उसके साथ जाएंगे, या जो 54% बीजेपी जेडीयू गठबंधन है उसके साथ जाएंगे, ये सवाल काफ़ी अहम होगा। तो जितने सवाल हमने लोगों से किए उन सबका जवाब वो दिया है, 53% ने यहाँ पर ये देखिए किस तरह से। अगला जो हमने सवाल पूछा कि महागठबंधन बना रहता है तो लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है, 35-35% जो लोग हैं वो दोनों ही गठबंधन को करते हैं, जब महागठबंधन बना रहता है तब लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे, जब ये सवाल उनसे पूछा गया। अदिति, यहाँ पर हम दो बातें जो अगर हम बात करें इस सर्वे के जरिए जो निकल कर आ रही हैं उसमें, एक तो खास बात यह है कि ये लोकसभा गठबंधन अगर बना रहता है तब कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी जेडीयू जब है यानी कि जब टूट गया है तो एनडीए के साथ बड़ी बढ़त जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बढ़त और भी बढ़ेगी यदि राज्य सरकार ठीक ठाक काम करेगी। केंद्र सरकार बिहार के लिए जो बिहार चाहता है वो बिहार को देगी, और मेरे ख्याल से मोदी जी का की पर्सनालिटी, उनका कैरिज्मा, उनका एक तरह से एक
उनका उनकी उनकी सेल्समैनशिप इतनी ज्यादा है बिहार में कि बाकी चीजें अब गौण हो जाती है। आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलके काम करना होगा। पहले हमने ऐसा नहीं देखा था, लेकिन अब इसकी कसौटी होगी और क्या होगा लोकसभा के चुनाव में, ये मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर यहाँ पर नज़र आता है, जिस तरह से जो सर्वे आया है उसके मुताबिक। लेकिन वोटर रिटेंशन जो है वो साफ तौर पर बीजेपी जेडीयू का ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस तरह से अदिति भी कह रही हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।